वेलकम फ्रेंड्स आईआईटी हैदराबाद की ओर से समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है जहां पर स्टूडेंट्स फ्रॉम थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं ओके okay? तो इस पीडीएफ को मैं आपके साथ शेयर करूंगा पूरी कंप्लीट नोटिफिकेशन को आपके साथ बताऊँगा एक्सप्लेन करूँगा लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी एडवाइस ये है कि अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हैं या करने वाले हैं तो इससे बेहतर आप आई हैदराबाद में एक ट्राई कर सकते हैं क्योंकि आई में जाकर एक रिसर्च करने का जो एक्सपोज़र होता है वो इंटर्नशिप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या किसी भी प्राइवेट कंपनी में नहीं मिल सकता आपको तो अगर आप रिसर्च बेस्ड इंटर्नशिप की तलाश कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद ओके सो लेट इस बिगिन एंड सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दे हैव मेंशन इन दिस प्रोग्राम तो समर रिसर्च समर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च एक्सपोज़र प्रोग्राम का नाम है एस यू आरई जिसका शॉर्ट फॉर्म है एंड एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर समर एंड अंडर ग्रेजुएट रिसर्च एक्सपोजर इंटर्नशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर गाइडलाइंस उन्होंने ये रखा है कि टोटल टू हंड्रेड इंटर्न को वो सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर फिफ्टी एक्सक्लूसिव सीट्स रखी गई है फॉर गर्ल्स ओनली जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ओके ना अमाउंट ऑफ फेलोशिप की बात करें तो रुपीज़ी फिफ्टीन थाउजेंड पर इंटर्न ऑल टूगेदर फॉर टू मंथ्स आपको मिलेंगे रुपीज़ सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ पर इंटर्न रुपीज टेन थाउजेंड फॉर वन एंड वन एंड ए हाफ मंथ्स पर इंटर्न ठीक है साथ ही एक और पॉइंट उन्होंने फॉर दिस ओके तो यह उनकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशन में भी आ गया और फेलोशिप के बारे में भी उन्होंने बता दिया बात करें ड्यूरेशन की तो वन से टू मंथ बिटवीन मई एंड जुलाई टेंटेटिव डेट्स उन्होंने दे दिए हैं पंद्रह तारीख से ये शुरू होगा मई में, में और चौदह तारीख अगस्त में ये ख़त्म होगा मिनिमम ऑफ वन मंथ एंड मैक्सिमम ऑफ टू मंथ ओनली इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको बात करें एकोमोडेशन एंड फूड की तो हॉस्टल एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन आई आई एच स्टूडेंट हॉस्टल में ही आपको अकोमोडेशन मिल जाएगा एंड मेस चार्जेस टू बी गिवन बाय द इंटर्न ये आपको खुद से पे करना पड़ेगा बात करें एलिजिबिलिटी की तो ओनली नन आई हैदराबाद स्टूडेंट्स विथ बिलो मैंशन एलिजिबिलिटी आर एलिजिबल तो क्या एलिजिबिलिटी है ए स्टूडेंट बी ए फर्स्ट ईयर एम उन्होंने कुछ सब्जेक्ट मैंशन किए हैं जैसे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और एम ए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर बी टेक जिसमें से ऑल ब्रांचेस कैन अप्लाई और थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड बी टेक एमटेक प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट में तो ऑलमोस्ट सभी बी वाले स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड ब्रांच वाले स्टूडेंट्स एंड सम सिंपल प्लेन ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं मैथ्स प्लेन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वो अप्लाई कर सकते हैं ओके सेकंड पॉइंट ये है कि एप्लीकेशन शुड बी अमंग द ट्वेंटी परसेंट बेस्ड ऑन सीजीपीए स्कोर इन ऑल द प्रीवियस ईयर इन हिज और हर डिसिप्लिन इन द कॉलेज ओके

नेक्स्ट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड थ्रू द वेब पोर्टल ओनली मतलब आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो उन्होंने बोला है ऑफलाइन एप्लीकेशन एप्लीकेशन थ्रू ई मेल्स नॉट नॉट बी एंटरटेन सेम थिंग जैसा कि मैंने अभी बताया आपको नेक्स्ट आपका सिलेक्शन कैसे होगा ये उन्होंने बताया है पहला पॉइंट में ये बोला है कि उन्होंने द सिलेक्शन प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ अ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉलोअ बाय इंटरव्यू जो कि ऑनलाइन होगा एंड डिपार्टमेंट मैंटर फैकल्टी वाइज एट द ऑप्शन टू द कंसर्न डिपार्टमेंट ये आपका पहला स्क्रीनिंग किया जाएगा प्रोफाइल का सेकेंड इंटरव्यू होगा ऑनलाइन मोड में ठीक है नेक्स्ट चीज उन्होंने बोला है सिलेक्शन में डिपेंड अपॉन कंसिस्टेंटली ब्रिलियंट एकेडमिक परफॉर्मेंस यह आपका स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगा जो आपका कंसिस्टेंट प्रोग्राम में बी टेक या एम एस सी में आपका सी जी पी ए वगैरह है उसके ऊपर ओके okay? नाउ टाइमलाइंस और इवेंट का उन्होंने दे दिया है तो एंड ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ दिस ऑनलाइन फॉर्म इज टेंथ ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर्थ तो अभी आपके पास काफ़ी समय है अप्लाई करने के लिए और डिक्लेरेशन रिजल्ट किया जाएगा उनके वेबसाइट पर जो कि पंद्रह अप्रैल दो हज़ार चौबीस को किया जाए स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम है पंद्रह मई दो हजार चौबीस टेंटिटिव है ये वेरीफी कर सकते हैं बात करें नोटिफिकेशन ऑफ़ सिलेक्शन की तो सिलेक्टेड कैंडिडेट सेल बी इन्फॉर्म थ्रू ई मेल्स ऑनली एंड फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑल्सो बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट टू यू नीड टू बी अपडेटेड विद वी और विद द एप्लीकेशन पोर्टल नाउ कम्युनिकेशन की बात करें तो नो सेपरेट कम्युनिकेशन सेल बी सेंड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स या आपको ई मेल में चेक करना है या फिर आपको वेबसाइट पर चेक करना है नाउ बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की तो ये यह यहाँ पर उनका लिंक दिया है यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं एक बार अगर अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो आपको ये पेज में डायरेक्ट कर दिया जाएगा जो कि अप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ आपको नाम फिल करना है अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जेंडर डेट ऑफ बर्थ और भी सारे डिटेल्स जैसे सी वगैरह डिपार्टमेंट जहाँ पर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो यहाँ पर काफ़ी सारी डिपार्टमेंट है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायोमेडिकल इंटेलिजेंस केमिस्ट्री केमिकल इंजीनियरिंग क्लाइमेट चेंज अदर्स एंड यू नीड टू सबमिट योर टू पेज का एक सेवी ओके एंड देन यू नीड टू सबमिट तो दिस वाज़ द कंप्लीट एप्लीकेशन पोर्टल जहां से आपको अप्लाई करना है ओके okay? एंड जहाँ पर उन्होंने लिस्ट ऑफ द इंटरेस्टेड फैकल्टी टू मेंटर द एस यू आर ए इंटर्मस ये उन्होंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया जैसे कि डिपार्टमेंट नेम ऑफ द फैकल्टी एंड रिसर्च एरिया तो यह आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे आपका इंटरेस्ट हो सकता है डीप लर्निंग में तो आपका फैकल्टी और डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है तो आपको डिपार्टमेंट होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेम ऑफ द फैकल्टी होगा डॉक्टर कोंडा रेड्डी मगोरी ओके लाइकवाइज आपको जो भी रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट हो यहाँ से आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं सभी ब्रांचेस और सभी डिसिप्लिन के लिए मैंशन किए गए ओके सो दिस वॉज द कम्प्लीट नोटिफिकेशन विच इज कमिंग फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद फॉर देयर रिसर्च प्रोग्राम इन समर ओके थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो आई होप दिस इफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू यू एंड फॉर मोर सच लेटेस्ट अपडेट यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू सो मच